नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तरफ फिर से ध्यान केंद्रित करते हुए बात करूंगी करनाल केंद्रीय हलके में आने वाले गांव टपराना के सरकारी स्कूल की, जहां छात्राओं के लिए शिक्षा की उचित व्यवस्था ना होने के कारण बड़ी संख्या में छात्राएं मंदिर व सड़कों पर पढ़ने के लिए मजबूर हो रही हैं। गत दिनों छात्राओं द्वारा स्कूल में टॉयलेट एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने व स्कूल को अपग्रेड किए जाने की मांग को लेकर करनाल के लघु सचिवालय पहुंचकर उन्होंने अपना रोष व्यक्त किया था और जिला प्रशासन को एक ज्ञापन भी सौंपा था। उसी कड़ी में गांव के बड़ी संख्या में ग्रामीण आज यहां खाद्य आपूर्ति मंत्री करण देव कम्बोज से मिलने के लिए बसंत बिहार में पहुंचे। मंत्री जी यहां पर बसंत बिहार में सीवरेज व सड़कों के निर्माण कार्य का शिलान्यास करने पहुंचे थे। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गांव में पढ़ने वाले स्कूल के बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं और शिक्षा के नाम पर सड़क पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, परंतु मंत्री जी ने उनकी कोई सुध ही नहीं ली। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि उन्होंने मंत्री से आग्रह किया कि वह गाँव में आकर एक बार स्कूल की समस्याओं से अवगत हों, परंतु मंत्री जी ने इस बात को अनदेखा कर दिया। ग्रामीणों ने रोष व्यक्त किया कि मंत्री के इस रवैये से ग्रामीण काफी नाराज हैं, जिसका परिणाम उनको आगामी चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। देखिए ये खास रिपोर्ट। गांव के जो चल रहा था स्कूल के लिए अपडेट वाला, उसके लिए मिलने आए थे और सिर्फ इनवाइट करने आए थे भी बच्चों को एक बार जाके आप आश्वासन दे दो, क्योंकि बच्चे अभी तक वो डर के स्कूल में नहीं गए, जबकि मंदिर में जाके पढ़ रहे हैं। कोई टीचर वहाँ पे एक आधा आया वो पढ़ा रहा है। हमने मंत्री को बोला, मंत्री बिल्कुल स्पष्ट जवाब दे गया भाई, मैं उस बात पे बात ही नहीं करता, जिक्र ही नहीं करता, फिर मैंने दे दिया ना, मैं जाता गांव में, बाकी आप लोग देख लो जैसे भी करना है। हाँ जी, क्या मैटर है, क्या कहना चाह रहे हैं? ऐसा जी, हम पिछले दो दिन से गांव टपराना के अंदर बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो पूरी गर्मी के अंदर ही पूरे सड़क पे बैठ के पढ़ रहे हैं। हमने प्रशासन को भी बताया, कल भी अवगत कराया और आज हम एमएलए साहब से मिलने आए थे, उन्होंने साफ जवाब बोल दिया। भाई मैं क्या करूँ आ जाके, मेरे को पता है सारा, मैं क्या करूँ आ जाके। तो इनके विधानसभा में नहीं आते ये? ये तो उनके विधानसभा में आता ही है, मेरे हिसाब से बस्ती बिहार विधानसभा में आता है। ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये नहीं आता। एक गली की नींव रखने के लिए उनके पास टाइम है, हर बच्चे जो 500 से 500 बच्चे इतने दो दिन से धूप में बैठे हैं, उनके लिए उनके पास टाइम है, जबकि सड़कों का तो दो बार मुहूर्त हो चुका है। पहले क्या दिखता है वहाँ पे, सारी दिखते हैं जी वहाँ पे। क्या JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।